का भाई, क्या हाल है? बहुत बेहतरीन, आप सुनाए कैसे हैं? कैसा लग रहा है फर्स्ट डे ऑफ शूट? अमेजिंग अमेजिंग, थोड़ा नर्वस हूँ पर बहुत मजा आ रहा है। हाउ डू यू फील? पहले आप गेस्ट थे, अब आप एक स्क्वाड बॉस बन के आए हो इस सीजन। अमेजिंग, बस नया एक्सपीरियंस है यार, और नए बच्चे देखने को मिलेंगे तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो हमारे पास कुछ सवाल है आपके लिए, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी। पिछले सीजन का आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा था? रोम रोम और रिहाई, मेरे दो बहुत मतलब पर्सनल फेवरेट हैं, और मैं इनको भाई गाड़ी में बजा रहा हूँ, मतलब अपने घर पे स्टूडियो पे जहाँ मन करता है वहाँ बजाता हूँ भाई ये गाने। आई लव प्यारा एंड एमसी स्क्वायर। एक गाना जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है? रिहाई। वो कौन सा गाना है जो आप कान फोड़ के अपनी पार्टीज में बजाते हो? वैसे तो अपने गाने बजाता हूँ, पर हाँ हसल से पिछली बार से मैं रोम रोम और एमसी स्क्वायर के सारे गाने। नया सीजन है, नए लोग होंगे, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीजन? यार मैं पिछली बार आया था तो मेरे को टैलेंट दिखा था, मतलब इतना बेहतरीन, मतलब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब कि नए बच्चे की यार क्या लेके आएंगे, क्या परोस के देंगे थाली में और क्या सीखने को मिलेगा हमको, मतलब इतना मजा आएगा यार, मतलब उड़ा देंगे यार इस बार तो मैं भी हूँ, यू नो उठा है मेरे ये। आप अपने स्क्वाड मेंबर्स में वो कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं? वर्सेटैलिटी, मतलब वर्सेटाइल होंगे तो इतना इजी रहेगा उनको गाइड करने में, उनको मेंटोर करने में, तो मजा आएगा यार, मैं कुछ सीख के जाऊंगा, कुछ सिखा के जाऊंगा, तो यस। वन मैसेज यू वांट टू गिव टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सीजन एज अ स्क्वाड? जो भी है दिल से मतलब अपना 100% देना और जी लगा के काम करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और आपने देखा ही है यहाँ से कितने स्टार्स निकले हैं, और आप भी बन सकते हैं स्टार, अच्छा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे। MTV 03 यू नो व्हाट टाइम इट इज। चलो सी यू।